Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and doing great at your home. So, आपको तो पता ही है कि आज आपका PT एग्ज़ाम है and I hope you all are ready for this. बाकी सारी मैं रिविज़न करवा चुकी हूँ. जो थोड़ा बहुत टॉपिक्स बच गए हैं हमारे, वो मैं एक बार आपको क्विक रिविज़न दे देती हूँ कि आपने क्या क्या आ सकता है और कैसे कैसे आ सकता है पेपर में. ओके, सो टेक आउट योर बोथ द बुक्स, कॉम्प्रिहेंशन भी और ग्रामर की बुक भी निकालो. मैं आपको थोड़ी सी क्विक रिविजन दे रही हूँ. देखो, आज हम रिविजन करेंगे PT की, तो थोड़ी थोड़ी से मैं आपको सारी रिविजन करा देती हूँ. जैसे एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स आपको क्या लगता है कि एडजेक्टिव्स क्या हैं? द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द नाउन्स, जो नाउन्स के बारे में आपको बता रहे हैं उन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं. और उन्हें सिर्फ एडजेक्टिव्स नहीं कहते, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं. लाइक अ टॉल गर्ल, गर्ल क्या है? नाउन. तो नाउन के लिए, गर्ल के लिए क्या वर्ड यूज किया कि उसको डिस्क्राइब किया जाए? टॉल. तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव. थिन मैन, मैन क्या है? नाउन. इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाए कि ये डिस्क्राइब किया जाए? कौन सा वर्ड यूज किया गया कि इसे डिस्क्राइब किया जाए? थिन. तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव्स. ठीक है. लाइकवाइज वी एडजेक्टिव्स कैन कम इन द ब्लैंक्स, लाइक ऐसे भी आ सकते हैं. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, ऑप्शंस में पूछ लिए आपसे. ठीक है, बट नॉट फ्रॉम आउटसाइड, लाइक आपसे ये ऑपोजिट्स हो गए. थिक का क्या आएगा, हैप्पी का क्या आएगा, वीक का क्या आएगा, रिच का क्या आएगा, एडजेक्टिव ऐसे भी आ सकते हैं. बट ये मत सोचना कि इट विल कम आउट फ्रॉम द सिलेबस. ठीक है, ऐसे ही कुछ इन्हीं फॉर्म्स में कुछ ना कुछ डाल के देंगे. अब एडजेक्टिव्स के बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, कंपैरिजन. देखो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं जल्दी से क्विक रिविजन करवा रही हूँ, जल्दी जल्दी. ठीक है, तो कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, कोई भी दो चीजों को कंपेयर करते हैं आपस में. लाइक ये बच्चा लंबा है, ये छोटा है, तो ये रवि है तो लिखा है रवि इज टॉलर देन रोहन. ठीक है, दो चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं तब ER लगा के, एडजेक्टिव के आगे ER लगा के उसका कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं. तो हमने टॉलर वर्ड यूज किया. लेकिन जब हम सभी में से बताते हैं, लाइक ये नसीम है, रमन है, जॉर्ज है, सभी में से जॉर्ज इज द टॉलेस्ट, तो हम EST वर्ड लगाएंगे, टॉलेस्ट. लाइक येस्टरडे वॉज द डैश डे ऑफ द विंटर, कल का दिन ना विंटर्स का सबसे ठंडा दिन था, तो सभी के साथ कंपेयर किया, सब में से बेस्ट था तो वो कोल्डेस्ट था. ठीक है, तो आपको ये भी ऐसे ब्लैंक्स में या ऐसे फॉर्म में आ सकते हैं. ठीक है, अब ये आता है कॉम्प्रिहेंशन, कि कॉम्प्रिहेंशन इस फॉर्म में भी आ सकते हैं. अदरवाइज आई शो यू वी हैव डन. देखो, एक तो माइसेल्फ किया है, ये कॉम्प्रिहेंशन में नहीं आएगा. ये हो सकता है, ये हो सकता है, दिस नीना एंड हर स्कर्ट, रोजी एंड चॉकलेट्स, द थर्स्टी क्रो, दीज आर द लास्ट वन. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन 8 तक कुछ भी आ सकता है. उसके बाद है, उसके बाद हमने क्या किया है, माय स्कूल. माय स्कूल किया है ना, तो माय स्कूल पैसेज एक आएगा ही आएगा, वो आपको करना है. After this, चलो ये भी हो गया. चलो दोनों चीजें आप लिख लोगे, आपने नोटबुक में लिखी हुई हैं. उसके बाद वी आर हैव विद आर्टिकल्स. आर्टिकल्स हैं, जल्दी से उनकी भी रिविजन कर लेते हैं. देखो, आर्टिकल्स में क्या होता है, जो वर्ड्स, एक तो ए होता है, एक एन होता है और एक द होता है. वी यूज ए एन एंड द बिफोर नाउन्स, और इन्हों को हम आर्टिकल्स कहते हैं. जो ए और एन होते हैं ना, वो सिंगुलर के आगे लगते हैं, और जो द है वो प्लूरल के आगे भी लग सकता है.
अब हम ए कहाँ यूज करते हैं? जब कॉन्सोनेंट साउंड होती है. कॉन्सोनेंट साउंड मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के. ये नहीं लेने, इनको छोड़ना है. ए टू जेड में से इन वर्ड्स को छोड़ के जो बाकी वर्ड्स बचते हैं लाइक बी, सी, डी, एफ, जी, एच, वो सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट साउंड. जब कोई नाउन उनसे शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो हम ए लगाते हैं लाइक अ काओ, अ यूनिकॉर्न. लेकिन एन कब लगाते हैं हम? जब वो वॉवल साउंड होते हैं, जब आवाज वॉवल्स की आती है लाइक ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, अब बारी आती है द की. वी यूज द विद द नाउन दैट वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट वंस. लाइक एक बार तो हम द लगाते हैं जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जब हम बात करेंगे तो हम द लगाएंगे. लाइक आई सॉ अ ब्लैक कार, द कार वॉज एम्प्टी. पहले मैंने क्या बताया कि मैंने आज ब्लैक कार देखी, फिर मैंने बोला द कार वॉज एम्प्टी, तो मैंने उसी कार की बात की है, तो हमने द लगाया. द हम यूज करते हैं रिवर्स के नेम के लिए, लाइक गंगा के लिए, यमुना के लिए, होली बुक्स के लिए, कुरान, गीता, फेमस बिल्डिंग्स के लिए लाइक ताजमहल. ठीक है, और हम द यूज करते हैं अर्थ के लिए, सन, स्काई, मून, जो दुनिया में एक ही इकलौती चीज है, एक ही चीज है. ठीक है, ये था ए, एन और द. अभी आपने क्या करना है, बड़ा मतलब पेपर आएगा ना, तो उसको बड़ा नीट एंड क्लीन करना. नेम, क्लास, सब्जेक्ट एंड डेट, ये चार चीजें, और पेज नंबर मेंशन करना है. ठीक है, अब जल्दी से रिवीजन कर लेना. आई नो आपने रिवीजन कर ली होगी. अब आपको लिंक आ जाएगा थोड़ी देर में, उस पर आप क्लिक करना. आप गूगल मीट, जूम ऐप पे क्या हो जाओगे, ऐड हो जाओगे वीडियो कॉल पे, और सामने आपके मैम होंगे, उनके सामने बैठ के आपने पेपर देना है. ठीक है, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर द पीटी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.